पुष्पा की स्टाइल में विराजमान हुए बप्पा मोरिया, लोगों ने कहा इसे बंद करो, भगवान को तो छोड़ दो बेवकूफों। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज यानी कि 31 अगस्त 2022 को देश भर में मनाया जा रहा है। इस पावन त्यौहार की धूम आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज के बीच भी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर नन्हे गणपति का पुष्पाराज अवतार छाया हुआ है। इन दिनों साउथ फिल्मों का जबरदस्त बोलबाला है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर बॉक्स ऑफिस। रॉकिंग स्टार यश और अल्लू अर्जुन का नाम इन दिनों टॉप पर है, चारों तरफ इनका ही स्टाइल छाया हुआ है। ऐसे में गणपति फेस्टिवल के मौके पर नन्हे बापा का पुष्पा स्टाइल छाया हुआ है। इस साल का गणपति उत्सव का क्रेज साउथ स्टाइल में देखने को मिला है। कई जगहों पर बप्पा को पुष्पाराज स्टाइल में विराजमान देखा गया है। इसमें मैं झुकेगा नहीं साला वाला स्टाइल देखने को मिला है। हालांकि जिस भी कलाकार ने इस मूर्ति को बनाया है अब उसकी जमकर फजीहत हो रही है। कुछ लोग हैं जो बप्पा को पुष्पा की स्टाइल में पसंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है कि भगवान को पुष्पा के इस अवतार में दिखाया जाए, और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ऐसा ना करने की बातें भी लिख रहे हैं। एक यूजर सोशल मीडिया पर लिखता है, भगवान को तो छोड़ दो बेवकूफो। दूसरा लिखता है, ठीक है पुष्पा का क्रेज है और गणपति को हर कोई चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपनी बॉर्डर लाइन क्रॉस करके तुम भगवान की इंसल्ट कर दो। वही तीसरा यूजर लिखता है, बदतमीजी की भी हद होती है। चौथा लिखता है, दूसरों को बोलने से पहले हम खुद तो भगवान की इज्जत करना सीख जाए, बेकार की नौटंकी। वही एक और लिखता है, मेहरबानी करके भगवान की बेइज्जती करना बंद करिए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हमारे हिंदू धर्म के भगवान गणेश का अपमान है। दोस्तों कई यूजर्स हैं जो बप्पा को पुष्पा के अवतार में बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, और उनका कहना है किस तरह की हरकतें कर भगवान का अपमान ना किया जाए। गणेश चतुर्थी की जबरदस्त धूम महाराष्ट्र में खूब देखने को मिलती है। यहाँ पर लोग बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड और तमाम सेलिब्रिटीज अपने घर बप्पा की मूर्ति को घर लाते हैं, फिर उन्हें 3 दिन या हफ्ते भर बाद विदाई भी देते हैं। इस दौरान लोगों के बीच गणेश उत्सव का काफी क्रेज देखा जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि फिल्म पुष्पा द राइज की रिलीज के बाद से ही साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का जबरदस्त क्रेज लोगों के बीच देखने को मिला था। उनकी फिल्म पर भी लोगों ने खूब प्यार लुटाया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल ही कर दिया था। बता दें कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना ने भी लीड रोल प्ले किया था। फिल्म को न केवल साउथ बल्कि नॉर्थ में भी काफी पसंद किया जा रहा था। अब लोगों को फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस खबर पर, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी नेचर को सब्सक्राइब करें।